हेलो दोस्तों, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं कटहल का सिरके वाला अचार। हाँ जी दोस्तों, छोटा सा वीडियो है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, कुकर में हमने सरसों तेल डाल दिया है और कुकर के चारों तरफ सरसों तेल लगा दिया है अच्छे से इसको कुकर को घुमाते हुए। अब हम इसमें डालेंगे कटहल के कटे हुए पीसेस। तो आपको एक बात बता दें फ्रेंड्स, इसे हम भाप में बॉयल करेंगे। थोड़ा सा तेल और नमक डालकर इसको बॉयल करेंगे भाप में स्लो फ्लेम पर। तो जब भी कटहल का अचार बनाएं तो कटहल काटने से पहले ही, यानी साबुत कटहल को धुल लें, उसके बाद में ही पीसेस करें। यानी कि इसको पानी में नहीं उबालना होता है और ना ही इसको पानी में धुलना होता है। आप साबुत कटहल को पहले ही धुल लीजिए, बाद में इसको कट कीजिए पीसेस में। तो हमने पहले ही इसको धुल लिया था साबुत कटहल को, फिर उसके बाद में हमने इसको कट किया है पीसेस में। फिर जो कटहल के पीस हैं, हमने थोड़ा सा धूप दिखा दी थी छत पे, उसके बाद में हम बॉईल करने के लिए रख रहे हैं। यानी कि जब भी कटहल बॉईल करें तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एकदम ड्राई पीस होने चाहिए। इससे क्या होता है, कटहल आप जब तक चाहें तब तक इसको, इसका अचार स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने भाप में इसको बॉईल कर लिया है, ये एकदम परफेक्ट अच्छे से पक गया है। बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है और बहुत ज़्यादा कच्चा भी नहीं रखना है, ये एकदम परफेक्ट तरीके से बॉयल हो चुका है। अब इसको हम एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और छत पे कॉटन का कपड़ा, किसी कॉटन के कपड़े पे इसको सुखाना है, दूर दूर पीसेस रखना है जिससे एक एक पीस अच्छे से ड्राई हो जाए, यानी सूख जाए। बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है, कुछ इस तरीके से हमने कटहल को सुखा लिया है। इसमें बिल्कुल भी भाप वाला पानी नहीं है, ये एकदम ड्राई हो चुका है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, इसमें अचार वाला मसाला मिलाना है। तो हमने ये सारा जो साबुत मसाला है इसको रोस्ट कर लिया है, भून लिया है। तो कलौंजी, मेथी, सौंफ, जीरा और जो है साबुत धनिया, ये सारी चीज़ें हम मिक्सी जार में एक साथ डालेंगे और बारीक पीसेंगे। बहुत ही मोटा मोटा नहीं पीसना है, एकदम बारीक भी नहीं पीसना है, कुछ इस तरीके से हमने पीस लिया है। तो अब हम ये सारा अचार वाला मसाला डाल देंगे कटहल में। फिर उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे सरसों तेल। तो थोड़ा सा सरसों तेल हमने गरम करके ठंडा कर लिया था, इसमें थोड़ी सी हमने हींग डाली थी, बस ज़रा सा ही तेल मिलाना होता है क्योंकि ये सिरके वाला हम अचार बना रहे हैं, तो इसमें तेल ज़्यादा नहीं डालना है। फिर उसके बाद में हमने इसमें ऐड किया है लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून के करीब हमने डाला है इसमें हींग। और फिर उसके बाद में थोड़ा सा हम काला नमक ऐड करेंगे, क्योंकि जब हमने कटहल बॉयल किया था तो उसमें भी हमने नमक डाला था, तो इसलिए नमक का बहुत ध्यान रखना है। अब उसके बाद में जो सिरका है उसे ऐड करेंगे। तो ये घर का बना सिरका है, यानी कि हमने खुद बनाया है गन्ने के रस से। हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप देख सकते हैं गन्ने के रस से सिरका कैसे बनाएं। तो अब ये सारा सिरका हमने डाल दिया है, अब ठीक से मिक्स करेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद में कांच की अचारदानी में इसको, अचार को डाल देंगे। फिर उसके बाद में क्या करना है, इसको धूप दिखाना है लगातार 4 से 5 दिनों तक। फिर उसके बाद में इसमें थोड़ा सा सिरका और डालेंगे, क्योंकि जो हमने सिरका मिक्स किया है ये कटहल में अभी सोखेगा, इसलिए इसमें सिरका और डालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसे सरसों तेल में भी बना सकते हैं, सिरका स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सिरके में ही बनाएं, इसको सरसों तेल में भी बनाया जा सकता है। और इस अचार को आप लंच के साथ, डिनर के साथ खा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।